तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज जो मैंने कैरेक्टर लिए हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इनकी फाइट देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि अगर इन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा इस फाइट को। गाइस मैं बात कर रहा हूँ बैटमैन और एजियन 47 की। और गाइस ये दोनों एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि हमेशा अपने मिशन को पूरा करते हैं और चाहे जो भी हो जाए ये अपने मिशन को कंप्लीट करके रहते हैं, और इसी रीजन की वजह से मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स को लिया है क्योंकि ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन जीतेगा। तो बिना और किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजियन 47 के बारे में। वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बंदा एजियन 47 को ना जानता हो। सच में यार ये एक कमाल का बंदा है, या कहूँ क्लोन। एजियन 47 एक ह्यूमन से कहीं ज्यादा पावरफुल है अगर बात करें हैंड टू हैंड कॉम्बैट की या गन फाइट की। और यही नहीं, ये बहुत इंटेलिजेंट भी है और ये चीजों को बहुत जल्दी सीख भी जाता है। इसके साथ साथ ये कई सारे फाइटिंग स्टाइल भी जानता है। एजियन 47 को किसी नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत कम दर्द होता है। ये किसी बंदे को एक घूंसे में बेहोश कर सकता है, और यही नहीं ये किसी भी हट्टे कट्टे बंदे की गर्दन को एक हाथ से तोड़ सकता है। मतलब समझ रहे हो, एजियन 47 कई चोटे खाने के बाद भी ऐसा लड़ता है मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके अलावा इसके रिफ्लेक्स भी बहुत ज्यादा फास्ट है। इसने कई बार चलती हुई बुलेट्स को डॉज किया है। ये बड़े आराम से 10 किलोमीटर का रास्ता 36 मिनट में पूरा कर सकता है। इससे आप इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा ये बहुत जल्दी हील हो जाता है, और ये कई सारे वेपन चलाना भी जानता है। और अगर इसे वो वेपन चलाना नहीं आता तो ये उसे कुछ ही देर में चलाना सीख सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर इसके पास कोई वेपन ना हो तो ये कुछ नहीं कर सकता, नहीं, बल्कि ये बिना वेपन के भी बहुत खतरनाक है। ये अपने आसपास के चीजों का इस्तेमाल करता है फाइट करते समय। इसके साथ साथ ये एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट, मास्टर मार्क्समैन और मास्टर असासिन है, और एजियन 47 को जाना ही जाता है असासिनेशन के लिए। तो अब बात करते हैं बैटमैन की। तो बैटमैन को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा बैटमैन एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट और मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। बैटमैन कई सारे वेपन चलाना भी जानता है, और इसके अलावा अगर उसको कोई स्किल नहीं आती तो ये उसे कुछ ही देर में सीख जाता है। जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, बैटमैन सच में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर इसकी आईक्यू की बात करें तो इसकी आईक्यू ओवर 200 होगी, जिसकी वजह से ये हर चीज का प्लान बना के रखता है। और यही नहीं, ये अपने ओपोनेंट से फाइट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकालता है कि उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं और उसकी वीकनेस क्या है, और ये सब पॉसिबल हो पाता है इसकी अमीरी की वजह से। हाँ गाइस, बैटमैन बहुत ज़्यादा ही अमीर है। इसको आप डीसी का टोनी स्टार्क भी कह सकते हो। बिलियनेयर होने की वजह से इसके पास कई सारे वेपन्स और व्हीकल्स हैं, और बहुत खतरनाक खतरनाक इक्विपमेंट भी, जिसकी वजह से अपने पावर्स एंड एबिलिटीज को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर लेता है। और अपने इंटेलिजेंस और इक्विपमेंट की मदद से इसने सुपरमैन तक को भी लगभग हरा दिया था। और बैटमैन के पास है पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, पीक ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, पीक ह्यूमन स्टैमिना, पीक ह्यूमन स्पीड, पीक ह्यूमन एजिलिटी और पीक ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। और ये एक एक्सपर्ट मार्शमैन, मास्टर एक्रोबैट, मास्टर स्पाई और एक मास्टर हैकर भी है। तो अब इन दोनों की फाइट कराते हैं और देखते हैं कि अगर इन दोनों की फाइट होगी तो कौन सा कैरेक्टर जीतेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी जाकर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा कैरेक्टर है जो इस फाइट को जीत सकता है, और आगे जाके मैं तो बता ही दूंगा। तो गाइज मेरे हिसाब से ये फाइट ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। हाँ गाइज, आपने सही सुना कि ये फाइट ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि जो अपना बैटमैन है उसके पास कई तरह के खतरनाक इक्विपमेंट्स है और यहाँ तक कि वेपन्स भी, जिस वजह से वो एजियन 47 से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और मुझे लगता कि एजियन 47 उससे टक्कर ले पाएगा। और अगर गाइज इन दोनों को पता होगा कि इन दोनों की फाइट होने वाली है, मतलब कि इन्हें पहले से ही पता है कि इनकी फाइट होने वाली है, तो ये पहले से ही बहुत तगड़े प्लान बना के रखेंगे। और जैसे कि सबको पता ही है कि बैटमैन कितने तगड़े प्लान बनाता है जब भी वो किसी से फाइट करने जाता है, और इसका पता हमें चल गया था सुपरमैन वर्सेस बैटमैन में। और यार बैटमैन ने तो सुपरमैन को भी उसकी औकात दिखा दी थी, ये तो फिर भी एजियन 47 है। तो हाँ गाइज, आज की वीडियो का विनर है बैटमैन। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी गेमिंग और वर्सी वीडियो लाते रहते हैं। और गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं आपके टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊँ तो यार उन टॉपिक्स को कमेंट में बता दिया करो, मैं उन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।